आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जो माँ बाप की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है छोटे बच्चे के वजन को लेके, अगर आपका बच्चा नवजात शिशु से लेके 6 महीने तक है तो उसके बच्चे के वजन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप क्या क्या ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से ही बच्चे को अच्छी तरह से उसका वेट गेन करा सकते हैं। और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे टिप्स देंगे जिससे कि वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और सही मात्रा में आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं प्रॉपर हो पाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपर बनाने के लिए और साथ ही साथ आपको बाकी लोगों की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाहें देंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आपको फॉर्मूला फीडिंग देनी चाहिए क्योंकि आपका मिल्क पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका मिल्क बिल्कुल पर्याप्त है और बच्चे के लिए बिल्कुल सही जा रहा है? तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी जो भी प्रेगनेंसी के ऊपर जो भी डाइट रही है, जो भी आपने गर्भावस्था में खाया पिया है, उसी का असर आपके बच्चे के वेट के ऊपर दिखाई देता है। जैसे कि किसी किसी माओं के जो बच्चे होते हैं 4-4, 4.5 किलो के होते हैं और कुछ कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्री मैच्योरली जो डिलीवर होते हैं उनका वज़न उतना नहीं होता है, या तो कई बार क्या होता है कि बच्चे का जो नॉर्मल वज़न है 3 किलो होना चाहिए या 3.5 किलो होना चाहिए लेकिन बच्चे का वज़न 2 किलो 2.5 किलो ऐसा ही होता है। तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है, प्रेगनेंसी में किस तरह के भोजन उन्होंने किए हैं, बच्चे को वेट गेन जो बढ़ाने वाले जो फूड होते हैं अगर वो उन्होंने अच्छी तरह से खाया पिया होगा, अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखा होगा, उसी का असर बच्चे के वेट के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन कुछ और भी अनएक्सप्लेन भी रीज़न होते हैं जिसके वजह से भी कई बार बच्चे का वेट कम हो जाता है, जो कि एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली यहाँ फोकस करेंगे कि आप किस तरह से बच्चे का वज़न को बढ़ा सकते हैं। अब पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन ये होती है कि बच्चे का वज़न, मान लीजिए कि बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है लेकिन उसके 10 दिन के अंदर अंदर बच्चे का वज़न कम हो गया, मतलब 500-600 ग्राम अगर बच्चे का वज़न कम हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसे केस में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका जो बच्चे का जो वज़न होता है अगर वो 500-600 ग्राम कम होता है विद इन 10 डेज, अगर 7 से 10 दिनों के अंदर बच्चे का वज़न कम होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया होती है। क्योंकि गर्भ में जब आपका बच्चा पूरे टाइम एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है तो बच्चा फुला हुआ रहता है पानी से, तो जब ये पानी ड्राई आउट होती है धीरे धीरे करके बच्चे का वज़न भी कम होता है। लेकिन ऐसा सुना है जैसे ही 11वां 12वें दिन के बाद से आप देखिएगा कि बच्चे का वज़न अगेन बढ़ना शुरू होता है और इस चीज़ को मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए ताकि पता चल सके कि बच्चे का वज़न अब स्टार्ट हो रहा है, वेट गेन होना स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे का वज़न आपको देखना है और आपको डेली बच्चे का वज़न नहीं चेक करना है, वीकली बेसिस पे अगर आप चेक करिएगा या तो फिर कई बार क्या होता है कि 10 डेज पे भी चेक करिएगा तो उससे भी आपको एक मिनट सिल में आइडिया मिलेगा कि आपके बच्चे का वेट गेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके बच्चे का जो मेन स्रोत होता है जिससे कि उसका वज़न बढ़ सके वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की माँ का दूध की वजह से होता है। यानी कि माँ का दूध आप जितना एक्सक्लूसिवली पिला रहे हैं, जितना अच्छी तरह से माँ का दूध को आप एक्सपोज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से अगर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में माँ का मिल्क मिल रहा है तो बच्चे का वज़न बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर पहली बार जो माँ बन रही हैं अगर वो लैचिंग अच्छे से नहीं करा पा रही हैं या प्रॉपर मात्रा में टाइमिंग नहीं दे पा रही हैं, जल्दी जल्दी वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, लाइक जैसे कि बहुत छोटी उम्र में, जैसे कि बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, पहली बार प्रेगनेंसी होती है तो जल्दी से एक ब्रेस्ट में पिलाना फिर दूसरे ब्रेस्ट में पिलाना, तो आपको थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है क्योंकि आपको भी अभी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप देखिएगा कि बहुत अच्छी तरह से आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बच्चे को अच्छी तरह से लैच कराना ज़रूरी होता है, बच्चे का जो पूरा माउथ होता है, माँ का जो पूरा निप्पल होना चाहिए पूरा कवर होना चाहिए, जो एरोला का पार्ट होता है वो पूरा कवर होना चाहिए। अच्छी तरह से अगर बच्चे की लैचिंग होगी, बच्चा अच्छी तरह से सक करेगा तभी जाके मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से बनेगा। कोई कोई बच्चे थोड़े से अगर जो प्री मैच्योरली अगर डिलीवर होते हैं अगर वो कम होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ताकतें नहीं होती हैं, उनको भी माँ का जो मिल्क है सक करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि मदर मिल्क को आप स्क्वीज करके निकाल करके आप स्टार्टिंग में पिलाइए। लेकिन बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि मदर मिल्क के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। वैसे फूड आइटम का चुनाव करिएगा जिससे कि मदर मिल्क का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे शतावरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि शतावरी का पाउडर आपको लेना शुरू कर देना है। आप अच्छी मात्रा में आप जितने भी प्रोटीन युक्त जो चीज़ें हैं उनका आप सेवन करिए। जो दालें होती हैं
या जीरे का पानी आप पी सकते हैं, मेथी दाना का पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपके मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कम से कम वाटर का जो इनटेक है 8 से 12 ग्लास पानी आपको डेली पीना है, जिससे कि आपके जो मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बना रहेगा और बच्चे को वो प्रॉपर मात्रा में मिल्क प्रोवाइड होता रहेगा। लेकिन बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 9 महीने में जो मतलब फुल टर्म अगर जो बेबी है अगर वो डिलीवर होते हैं, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि हर दिन उनको 30 ग्राम वजन से उन धीरे धीरे करके वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो प्री मैच्योर पैदा होते हैं उनका थोड़ा सा टेंडेंसी होता है कि वो वेट गेन थोड़ा सा स्लो करते हैं, लेकिन 20 से 30 ग्राम उनको डेली वजन गेन करना है। 30 ग्राम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली 20 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि हर दिन पर डे वो 20 ग्राम वजन उनका ज़रूर बढ़ना चाहिए। और जब तक आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, आप ये देखिएगा जो बच्चे का बर्थ वेट है उससे वो डबल होना चाहिए। अगर बच्चा डबल है इसका मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्थ गेन हुआ है, बच्चे का वेट अच्छी तरह से गेन हुआ है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया है कि मदर मिल्क आपको एक्सक्लूसिवली पिलाना है, तो आपको कितनी मात्रा में पिलाना है, तो एवरी 2 आवर आपको बच्चे को ज़रूर फीडिंग कराना चाहिए, या फिर बच्चे की डिमांड के ऊपर, यानी कि बच्चा अगर मान लीजिए कि आपको जल्दी डिमांड करता है, चाहे सोने की वजह से, या बच्चे को पैम्पर अगर चाहिए, माँ का स्पर्श चाहिए, माँ की बॉन्डिंग चाहिए, तो उस टाइम पे भी आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, यानी कि कुछ और भी चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, ना एक सिंगल ड्रॉप ऑफ पानी, ना शहद, ना जन्म घुट्टी, आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। और माँ के दूध में इतनी ताकत होती है, जितने भी बच्चे जो जन्म लेते हैं, एक रिसर्च द्वारा ये पाया गया है कि जो बच्चे अगर माँ का दूध पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं उनके बीमार पड़ने की चांसेस कम होते हैं। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बीमार पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ में अगर जैसे माँ के दूध के अंदर इतनी ताकत होती है कि उसकी इम्यूनिटी की रक्षा करती है, जो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करती है, जो उसको बाहरी इन्फेक्शन से और बीमारियों से लड़ने के लिए बचाता है, यानी कि ओवरऑल आपको दिन भर में 10 से 12 बार आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही सही ड्यूटी भी है और आपको ये बनता भी है, आपको ज़रूर करना चाहिए, और एक बच्चे का हक भी होता है। आप बहुत सारे लोग लेकिन आपके कान भी भर देंगे, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि बच्चे को पेट नहीं भर रहा है, 10 लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे कि हमने बच्चे को एक्स्ट्रा ज़रूर दिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा देंगे तब जाके बच्चा हृष्ट पुष्ट होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी और की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे मत लें कि नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं हो रहा है। जितने ज़्यादा बच्चे से कट ऑफ होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ऊपर से आपने मिल्क पिला दिया, फार्मूला फीडिंग पिला दी, तो फार्मूला कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं इसको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई गलत चीज़ है, लेकिन जब आपको पर्याप्त मात्रा में मिल्क हो रहा है तो एक्स्ट्रा आप दूध ना पिलाएं। और पर्याप्त और अपर्याप्त का जो डेफिनेशन होता है उसको यहाँ से निकालना है, मतलब कि आप बिल्कुल ना सोचें कि कुछ भी चीज़ पर्याप्त नहीं है। अगर आपको ये फीलिंग है कि मुझे अपने बच्चे को मिल्क पिलाना है, तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिल्क होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बच्चे को भी ऑब्जर्व करना है कि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में उसकी जो एक्टिविटी है वो सही है कि नहीं, प्रॉपर मात्रा में उसको स्टूल पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, सब कुछ आपको चेक करने की आवश्यकता है। अब बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूला फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जोर मारेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बच्चा मिल्क पी रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा सक कर रहा है, या फिर बच्चे के मुंह के आसपास आपको वाइट वाइट ऐसे लगेगा कि मिल्क पूरा उसके मुँह में भर जा रहा है, इसका मतलब कि बच्चे के लिए आपका दूध सफिशियंट है। क्योंकि कई बार महिलाएं इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं कि क्या बच्चे को इतनी पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए बेसिकली मैंने पहला लक्षण आपको बताया कि बच्चे की एक्टिविटीज़ आपको देखनी है। अगर नॉर्मल है, नॉर्मल यूरिन पास हो रही है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर 8 से 10 बार अगर बच्चा यूरिन पास करता है, इसका मतलब कि प्रॉपर मात्रा में बच्चे को मिल्क आपका प्रोवाइड हो रहा है। दूसरी चीज़, पिलाते वक्त आपको बच्चे के माउथ को ऑब्जर्व करना है, पूरी मुंह को अगर उसने भर रहा है, उसके गाल फूल जा रहे हैं, पूरा मुंह इसमें उसने दूध भर लिया है, इसका मतलब कि पर्याप्त मात्रा में दूध आ रहा है। और थोड़ा सा टाइम आपको लेफ्ट ब्रेस्ट में देना है और बाकी राइट ब्रेस्ट में भी देना है, यानी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको पिलाना है, और एकदम 5-5 मिनट नहीं पिलाना है, क्योंकि ऊपर का जब आप मिल्क पिलाते हैं तो बच्चे को झागदार पॉटी आने की समस्या बन जाती है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैंने स्क्रीन पर ड्रॉप करूंगी कि झाग वाली पॉटी क्यों आती है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं।
तो बेसिकली आपको समझने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका बच्चा पूरी तरह से मुंह में दूध भर रहा है, सक कर रहा है, गटगट की आवाज़ आ रही है, पेट भर रहा है, जब उसकी तृप्ता शांत हो जा रही है। कई बार क्या होता है कि जो भूख लगी रहती है तो अगर बच्चे को पूरी मात्रा में दूध नहीं मिलेगा, बच्चा अतृप्त रहेगा तो बच्चा रोता हुआ रहेगा, लेकिन बच्चा सो जा रहा है, उसको कंप्लीट उसका पेट भर जा रहा है, इसका मतलब कि आपका दूध सफिशिएंट है, आप दूसरों की बातें बिल्कुल ना सुने। अब थर्ड चीज़ आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि बच्चे के फेस को भी आपको देखना है कि बच्चे को कहीं ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, कहीं ओरली जैसे ओरल ड्राइनेस है, अगर माउथ के आसपास अगर ड्राइनेस है, बच्चा पीला पड़ रहा है या नीला पड़ रहा है, कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे केस में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को आपका दूध पर्याप्त नहीं है और बच्चे को कुछ ना कुछ डेंजर साइन है। इस केस में आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, बच्चे की पॉटी को भी देखें, बच्चे की यूरिन को भी देखें, अगर यूरिन पास कर रहा है, बच्चे को मिल्क पीने की अर्जेस कर रही है, मिल्क एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा मिल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं पी रहा है और उसका पूरा ड्राइनेस भी हो रखा है या फिर पसलियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है, तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। डॉक्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी पॉइंट पे अगर कन्फ्यूज़न रहती है तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।